दोस्तों, नासा को दुनिया का सबसे सुरक्षित स्पेस एजेंसी माना जाता है। वहीं उनके सर्वर और कंप्यूटर सिस्टम को तो मानो कोई तोड़ ही नहीं सकता। रोजाना दुनिया भर के कई स्पेशलिस्ट इन्हें बचाने में लगे रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, एक 15 साल के बच्चे ने नासा के सिस्टम को हैक कर लिया। इतना ही नहीं, नासा को कई दिनों तक अपने सिस्टम को बंद करने पड़े। घटना के बाद उस बच्चे की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव हुए कि उसे खुद की जान लेनी पड़ी। जोनाथन जेम्स का जन्म 12 दिसंबर 1983 में अमेरिका में हुआ था। अपने जोनाथन भाई साहब जब 15 साल के हुए, उसने कंप्यूटर की दुनिया को समझना शुरू कर दिया। और जोनाथन का दिमाग कंप्यूटर्स में तेज चलता था, तो भाई साहब ने हैकिंग सीखना शुरू कर दिए और फिर इसने हैकिंग को अंजाम देना शुरू किया। और इसके लिए उसने अपना एक नाम भी रखा था, जो कि कॉम्रेड के नाम से जाना जाता था। अपने इस नाम से जेम्स ने हैकिंग की दुनिया में कदम रखा और हैकिंग प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिए। जिस उम्र में जेम्स के साथी खेलते कूदते थे, उस समय जेम्स कंप्यूटर के आगे बैठकर कोडिंग करने लगा था। धीरे धीरे जेम्स हैकिंग में और भी स्मार्ट होने लगा था। अपने जोनाथन भाई छोटी छोटी हैकिंग करके बोर हो गए थे, तो फिर उन्होंने अपने देश की सबसे सुरक्षित नासा के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की सोची। अपने जेम्स भाई साहब ने ऐसे प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए, जिसके जरिए वह नासा के सिक्योरिटी सिस्टम में एंटर कर सके। कुछ 2-3 हफ्तों में उसने ऐसी प्रोग्राम बना भी ली। फिर उसके बाद अब उस प्रोग्राम को चलाने की देरी थी। नासा पर अपने प्रोग्राम को टेस्ट करने से पहले जेम्स ने उसे एक लोकल स्कूल और एक स्टोर पर चलाकर देखा। दोनों के सिस्टम में कुछ ही पलों में वह प्रोग्राम काम कर गया। इसके बाद जेम्स उनके कंप्यूटर में एक्सेस कर सकता था और कोई भी फाइल निकाल सकता था। और इन दोनों ही सिस्टम में जेम्स ने लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। प्रोग्राम के सही तरीके से काम करने के बाद अब बारी थी नासा के सिस्टम में इसे चलाने की। इसके बाद जेम्स ने सीधे ही ये प्रोग्राम नासा के कंप्यूटर में भेज दिया। जेम्स ने सिर्फ सिस्टम हैक करने तक नहीं रुका, उसने नासा के सिस्टम से एक सॉफ्टवेयर की चोरी भी कर ली, जिसकी कीमत $1.7 मिलियन थी। इसके बाद जेम्स के हाथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सोर्स कोड तक भी पहुंच चुके थे, जिसके जरिए नासा अंतरिक्ष में सही से काम कर पाता था। जेम्स को पता भी नहीं था कि उसने नादानी में कितना बड़ा क्राइम कर बैठा था। शुरुआत में नासा भी इस हैकिंग का पता नहीं कर पाई थी, लेकिन जैसे ही सोर्स कोड से छेड़छाड़ का पता चला, तो नासा समझ चुका था कि उनका कट चुका है। तो उन्होंने अपने सारे सिस्टम को 21 दिनों तक बंद करना पड़ा, जिससे नासा को $41,000 का नुकसान हुआ। नासा और अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने हर तरफ से हैकर को खोजने का काम शुरू कर दिया। वह जानते थे कि आज जो नासा तक पहुंच सकता है, कल और भी अंदर जा सकता है। इसी डर के वजह से अमेरिका के खुफिया एजेंसीज हैकर्स को ढूंढने लगी। थोड़े ही समय में उसने जेम्स के बनाया हुआ प्रोग्राम को सिस्टम में खोज लिया और पता चल गया कि आखिर यह किस तरीके से काम करता था। इसके बाद इस प्रोग्राम के मदद से ही हैकर को खोजना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में उसने हैकर के लोकेशन का पता लगा लिया और तुरंत ही अपने जेम्स भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेम्स को सिर्फ 6 महीने की सजा हुई, क्योंकि वह उस समय टीनेजर था। सजा के 6 महीने उसके लिए काफी कठिन थे। वह डिप्रेशन में रहने लगा, उसे एक अपराधी माना जाने लगा था। लोगों के आरोप के चलते जेम्स बहुत परेशान हो गया। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसी की नज़र हमेशा जेम्स पर रहती थी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि जेम्स फिर से कोई हैकिंग को अंजाम दे। कुछ सालों बाद अमेरिका में फिर से बड़े लेवल में हैकिंग को अंजाम दिया गया। इस हैकिंग का तरीका ठीक वैसा ही था जैसा जेम्स ने इस्तेमाल किया था। इन्वेस्टिगेशन में जैसे ही यह बात सामने आई, सुरक्षा एजेंसीज का पहला ध्यान जेम्स की ओर ही गया। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ सोचे ही जेम्स के घर पर रेड मार दी। ये रेड जेम्स को बिना बताए ही की गई थी, पर उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। इस रेड के बाद जेम्स घबराया हुआ रहने लगा। उसे लगा कि पुराने जुर्म के कारण इस बार वह बेवजह ही सलाखों के पीछे आ जाएगा। धीरे धीरे जेम्स के अंदर का डर बढ़ने लगा, वह परेशान रहने लगा था। वह फिर से जेल में नहीं जाना चाहता था। रेड के तकरीबन 2 हफ्ते बाद खबर आई कि जेम्स ने आत्महत्या कर ली। उसने अपने बंदूक से खुद को गोली मार ली थी। उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा था। उन पन्नों में जेम्स ने लिखा था कि उसे कानून व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं है, उसे गलत कामों के लिए दोषी माना जा रहा है, इसलिए वह अपनी जान ले रहा है ताकि उसके जाने के बाद लोग उसकी परेशानी को समझ पाएं। इसके साथ ही अमेरिका के एक बड़े हैकर की अंत हो गई।